बैक माय यूट्यूब चैनल क्यूज ब्यूटी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा होम रेमेडीज लेकर आई हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को फॉलो वॉच करना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि किसी भी आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स आज जिस मैं टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ वो है अनइवन स्किन के लिए। फ्रेंड्स कई बार आप लोग देखते होंगे कि हमारी स्किन जगह जगह से पैची होते हैं या फिर वेदर चेंज होता है तब हमारे स्किन में ज़्यादातर इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और ख़ास तौर से वो लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जो लोग डेली बाहर अप डाउन करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारे यह फेस कैसा होते जा रहा है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा होम रेमेडीज लाई हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, और एक बाउल में हमें लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं पैक बनाऊंगी। तो ये देखिए मैं एक एलोवेरा जेल ले ली हूँ। हम अपने फेस के अकॉर्डिंग ही एलोवेरा जेल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक छोटा पाउच लेना है कॉफ़ी का, और इस कॉफ़ी को मैं इस एलोवेरा जेल में ऐड कर रही हूँ। कॉफ़ी को मैं अच्छे से कट कर लूँगी और एलोवेरा जेल में मिक्स कर लूँगी, और हमें ये पूरा पाउच ऐड करना है इस ये देखिए इस तरीके से मैं ये पूरा कॉफ़ी का पाउच जो है हमारा मैं ऐड कर लूँगी। और इसे हम इसमें कोई भी पानी या किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी आपको, एलोवेरा जेल से अच्छे से आपको इसे मिक्स करना है कॉफ़ी को। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितना अच्छा हमारा पैक रेडी हो जाएगा ये बनकर। ये देखिए फ्रेंड ये हमारा पैक बन चुका है, बिल्कुल ऐसा पैक है इस तरीके से। देखिए ये मैंने ब्रश में भी दिखाई आप लोगों को, ये बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस पैक को अप्लाई करनी है अपने पूरे फेस के ऊपर। फेस को अच्छे से हम क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद हम पूरे फेस के ऊपर इसे अप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से हमें अप्लाई कर लेना है, और इस पैक को हम कितने 10 मिनट्स तक रखेंगे। 10 मिनट्स के बाद हमें क्या करना है, इसे ड्राई टिश्यू से बिल्कुल क्लीन कर लेना है। हमें इसके फेस वॉश नहीं करनी है, ओनली ड्राई टिश्यू से हम क्लीन करेंगे। और 10 मिनट्स में ये हमारा बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगा, क्योंकि ये एलोवेरा जेल है और कॉफ़ी है तो बहुत ज़्यादा स्किन हमारा ड्राई नहीं होगा। तो हम 10 मिनट बाद इसे रिमूव करेंगे बिल्कुल ड्राई टिश्यू से। आपको टिश्यू गीला नहीं करना है, बिल्कुल ड्राई करना है। और फ्रेंड्स इस पैक को आपको यूज डेली करना है। अगर आपकी अनइवन स्किन हो रही है तो आप डेली यूज करिए और इसका रिजल्ट देखिएगा। कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो अब हमारा 10 मिनट्स हो चुका है। ये देखिए मैं बिल्कुल ड्राई टिश्यू ली हुई हूँ, और इस टिश्यू से मैं क्या करूँगी, मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आप लोगों को भी बिल्कुल ड्राई टिश्यू लेना है, क्योंकि जो हमारा एलोवेरा जेल है वो थोड़ा हमारे फेस पे रहेगा पूरी नाइट, तो हमारे स्किन को मॉइस्चर भी करेगा और अंदर से प्यूरीफाई भी करेगा। इसलिए हमें ड्राई टिश्यू लेना है और हल्की क्लीन करनी है। 100% आपको जेल को नहीं निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैं क्लीन कर चुकी हूँ। अभी भी आप लोगों को मेरे फेस पे हल्की हल्की ऑयल जैसी लग रही होगी फेस के ऊपर। तो ये जो हमारा एलोवेरा जेल है ये वो है जो हमारे फेस को ऑयली कर रहा है, और मैं इसे पूरी ओवरनाइट छोड़ूंगी। और सुबह केवल पानी से वॉश करना है आपको, साबुन या फेस वॉश नहीं यूज करना। इसे फ्रेंड्स आप 15 डेज यूज करना,
और देन इसके बाद जो भी आपको रिजल्ट लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इसका रिजल्ट कैसा लगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लाई थी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलती हूँ फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।